इसको बाहर निकालते हैं दोस्तों, बने रहना वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आज हम गांव से लगभग आए हैं 8 किलोमीटर दूर। कोई भैया ने याद किया है, आपका नाम ये अनुज कुमार। तो क्या प्रॉब्लम, कैसे याद किया? कोबरा सांप। तो दोस्तों ये सांप बता रहे हैं, नाग बता रहे हैं। और जो कई दिन पहले लेगा था, अभी 7-8 दिन पहले, तो 8-8 दिन पहले ऐसे कोबरा लेगा था इसी घर में से। आज उसी घर में दूसरा शायद उसके जोड़ा ही था। तो अब आए हैं उसे रेस्क्यू करने, बने रहना वीडियो के साथ। दिखाते हैं आपको कौन सा सांप है, आइए। पापा जी, तो दोस्तों आप यहाँ पर फैमिली रहते हैं यहाँ पर, जो पहले पकड़ा था वो पहले तो इस ब्रेंच पे था। और आज तो ये बता रहे हैं कहाँ पर भैया, टंकी के पास इसके नीचे बता रहे हैं। चलो दिखाते हैं, निकालते हैं बाहर। यू टंकी के नीचे पता क्यों छिप जा बार बार? ये इस पर चिपक के पन्नी है जो ईंटों के ऊपर धरी है, वो उस ईंट पन्नी में चिपक पड़ जाओ। तो ये वाली पन्नी फिर सलाली की वजह से निकल रही है, बता रहा हूँ। उधर को निकलेगा तो सर उधर मारने को पहुंचे। हां टंकी के पीछे उधर देख, वेट टॉर्च उधर देख लो, उधर तो मैं जल्द तो लग जाएगा। तो चलो बैठा, ईंट पे बैठा है। दोस्तों आपको दिखाते हैं, इधर आओ, जूम करके देख। तो दोस्तों देखो कहाँ पर आसियाना बनाए बैठा है, ये बैठा। ये देखो, कोई यहाँ बच्चा या बड़ा आता तुरंत पैर पर बाइट कर लेता है। और ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, ये देखो कैसे ईंट पर बैठा है। नीचे साफ है और ऊपर ईंट पे बैठा है, ये देखो, ये देखो कैसे लिपल लिपल कर रहा है। तो इसको निकालते हैं बाहर। इसको बाहर निकालते हैं दोस्तों, बने रहना वीडियो के साथ। अब देखो यहाँ पर चूहे, ये किस लिए बैठा है? ये इसमें अनाज है, अनाज खाने चूहे आते हैं, चूहे खाने सांप आता है। तो इसीलिए अपने सेफ्टी से सामान, देखो ये बिल है, ये चूहे के हैं, चूहे खाने के लिए सांप घर में आते हैं। अब इसको निकालते हैं बाहर। पीछे गया, पीछे टंकी के पीछे। ओ बड़ो 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 निकल तो जाता, पर उसमें रास्ता नहीं है भागने का। पीछे हो जाओ, चलो वापस आ। ये फिर उसी पे बैठ गई, पर थोड़ा सा खड़ी हो गया पीछे, ठीक है पीछे जा रहा ऊपर को। यू तो तो दोस्तों देखो
इधर आवाज आ रही है, ये देखो पहले वाले से। दोस्तों आवाज सुन रहे हो इसकी, ये पूरा एक्टिव है। दोस्तों देखो यहाँ पर कैसे आवाज, देखो दोस्तों देखो पास में दोस्तों ये निकालते हैं इसको बाहर, दिखाते हैं इसके बारे में बताते हैं। खाट करवा, खाट करवा चलो बाहर को, चलो सब आपको रिक्स कहते हैं। बहुत पीछे ये उसी के साथ का जी, हाँ उसी के साथ के ये यू ना आ गए जल्दी का भाई आ कर दे मैं आती का कर रहा है ये आवाज ये ना गल आई इसकी ब्लूटूथ अंदर आएगी, ब्लूटूथ अंदर आएगी। दोस्तों अगर ऐसा सांप काटता है तो सीधा जिला अस्पताल जाना, इस झाड़ फूक के चक्कर मत पड़ना। लाइट आ रहा है, लाइट लाइट आ रही है, हम बस अस्पताल को यार सांप हो, क्योंकि इसमें दोस्तों न्यूरोटॉक्सिन होता है और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ये घरों में इसलिए आते हैं चूहे खाने के लिए, अपने घर में साफ सफाई रखनी है। ये देखो अभी कुछ दिन पहले 8 दिन हुए हैं अभी इसके जोड़ा था उसको लेकर गए थे यहाँ से, इसको पैक करते हैं ले जाएंगे इसके जंगल में, यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है। बता रात को क्या दिखाई दे रही है, तभी तो ये बोल रहे हैं रात को रिक्स होता है बहुत। अब ये इसलिए एक्टिव नहीं है क्योंकि रात हो रही है, ऐसे कुछ दिख नहीं रहा। दिन में होता तो ये यहाँ खड़ा होगा तो खड़ा ही रहता जब तक हम रहेंगे।
भैया जो भैया खड़े इनके बैग में से डिब्बा निकाल दियो मेरा निकालो कर रहे हैं भैया मैं तो ज्यादा जल्दी रह रहे ढक्कन खोल के ढक्कन यहाँ डाल देना दोस्तों से पैक करते हैं ऐसा सांप काटने के बाद सीधा जिला अस्पताल जाना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और एंटी वेनम जो है वही इसका इलाज है झाड़ फूक कुछ नहीं बचा सकता अगर काटने के बाद झाड़ फूक कराओगे तो कोई नहीं बचा सकता दोस्तों आप ऐसी गलती मत करना क्योंकि ये जो हादसा होता है पैक करते समय होता है क्योंकि इसको पलटू के नाम से भी जानते हैं ये बहुत जल्दी पलटता है चलेगा चलेगा के लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि देखो कुछ लोग मार देते हैं मारना नहीं चाहिए क्योंकि पर्यावरण का हिस्सा है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो बड़ी बड़ी बीमारी होती है उनके लिए भी काम आते हैं जैसे कि कैंसर हुआ उनकी दवाई इनके जहर से जो दवाई बनती है तो इनके जहर से बनती है सांपों को मारना नहीं है तो हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे बाय बाय घुमा दिखा ले लो भैया।